Hello everyone, good morning. It's day 4 here in Spiti और कल हम काजा से रात को यहाँ पर पहुँचे हैं 8:30-9 बजे. उसके बाद हमने bonfire किया, डिनर किया और हम क्रैश. सारे लोग बहुत एकदम थके हुए थे, स्पेशली लाइक मैं तो मतलब सब थक गए थे यार, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी. लंबी तो नहीं थी बट स्टिल पूरा दिन लग गया. तो या और आज अभी सुबह उठे, फ्रेश होके एकदम देख सकते हो आप, आई एम ऑल रेडी एंड वी आर इन चांगो. क्योंकि हम यहाँ पर किसी होटल, किसी होम स्टे में नहीं है, हम किसी के घर पे स्टे कर रहे हैं. दिस इज़ द थिंग विच आई लव द मोस्ट. लाइक पहली बार है ये मेरे साथ कि मैं हिमाचल में किसी लोकल के घर पे स्टे कर रही हूँ. एंड ऑल थैंक्स टू विकास, यस, जिसकी वजह से उनकी एक फ्रेंड है, उनके घर पे हमने स्टे किया है. सो या और यहाँ पर हम रात को सोए थे, एक्चुअली ऊपर वाले रूम में सोए थे. और अभी हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद विल लीव, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है. हम आज पूरा दिन जर्नी करने वाले हैं टुवर्ड्स शिमला और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ पर सोए थे. तो वो रूम दिखाती हूँ, ऊपर एक्चुअली अपस्टेयर्स. एंड अभी मैं ऑलरेडी मतलब इतना फ्रेश ना, मैं कभी ऐसे 2-3 दिन में पहली बार मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ. मतलब हाँ, देख सकते हो ऐसे तैयार भी हो गई हूँ पूरा एकदम, इयररिंग्स वियरिंग्स पहन के ऑल सेट ऑलरेडी. और बाय द वे इनके घर से व्यू देखोगे आप, आई मीन व्हाट इज दिस मैन, ये है इनके घर से व्यू. आई मीन दे आर द लकीस्ट पर्सन आई थिंक ऑन प्लैनेट, राइट? कि मतलब ये व्यू के साथ रहते हैं. बाय द वे जिनका होता है वो तो बोर हो जाते हैं, बट मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. और या रेडी है हमारा, जहाँ पर हम सोए थे, हमारा जिस मतलब जहाँ पे हम कल रात को सोए थे वो आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज़ द रूम, हियर इज़ मनीषा, वो रेडी हो रही है. इसने तो बड़े कर्मवीर वाले काम किए हैं, बाल धोकर इतनी ठंडी वेदर में. कुडोस ब्रो, तुम मतलब छा गए तुम. तो यस, और यहाँ पे जो है इनकी बुखारी वो लगी हुई है. यहाँ पर हीटर था, सब कुछ बहुत कोजी, ब्लैंकेट और मस्त. हम रात को जो सोए, अच्छी वाली नींद आई है. अभी ब्रेकफास्ट करेंगे बिकॉज मैं आपको मिलवाती हूँ एक पर्सन से जो कि है विकास की फ्रेंड, जिनकी यहाँ पर हम रुके हुए हैं. तो शी इज़ मेकिंग अस ब्रेकफास्ट. माई गॉड, घर का खाना आए हाय. चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे शिमला के लिए. सो लेट्स गो. सो ये है अंगमो. हाय, एंड आपका नाम? हेलो सोलम. आप ऐसे आओ क्योंकि ना इधर ऐसे लाइट आ रही है. आपको लॉकडाउन में कैसा लगा? शांति शांति लगी यहाँ पे बहुत? हाँ बहुत. टूरिस्ट नहीं आ रहा था तो थोड़ा शांत तो लगा होगा, है ना? बोरिंग फील हो रहा था. वैसे आप नॉर्मल डे में क्या करते हो, मतलब आपका रूटीन कैसा होता है? सुबह उठ के फिर क्या करते हो? सर्दियों में तो कुछ नहीं होता है, ऐसी बस सुबह उठना, बस खाना पीना, बस आराम. होते ही आराम, आराम ही आराम है. फिर सेब वाले सीजन में काम होता है? सेब वाले सीजन में होते हैं, फिर सुबह उठना पड़ता है जल्दी, 4 बजे वगैरह. फिर ऐसे रात को कभी खेतों में 1-2 बजे तक बैठ जाते हैं ऐसे काम करते हुए. चलो, थैंक यू सो मच कि आपने अपने घर में हमको स्टे करने दिया और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को. और गाइस, ये है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, बुखारी ना, बुखारी तो तंदूर है. ये पूरा गर्म हो चुका है यहाँ पर. बाहर का टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ का बहुत कोजी है. और हमारे लिए यहाँ पर लगेगा ब्रेकफास्ट. हम यहाँ ब्रेकफास्ट करें, अंगमो से बात करेंगे. अंगमो अभी बात करोगे, बाद में बात करोगे? ठीक है, आपसे हम बाद में बात करेंगे, वो बिजी है ब्रेकफास्ट बना रहे हैं. तो हाँ चलो, फिर आपसे हम थोड़ी देर में मिलते हैं. हम खा रहे हैं घर का खाना, घर का नाश्ता, पराठे, चटनी, दूध है, विकास है, महेशा है और ये अंगमो है. यस, ओ माय गॉड, काफी मजा आ रहा है यार. तो आंटी अंगमो की मम्मा जो है, उन्होंने हमें बहुत ही ट्रेडिशनल चीज अभी खिलाया, मतलब लेके आए हमारे लिए. नमस्ते आंटी. नमस्ते जी, कैसे हो आप? ठीक हो? तो इसका नाम क्या है, ये डिश का क्या बोलते हैं? डिश का नाम लोकल चिमोक है. क्या, किससे बनता है ये? आटा का. आटा का, बेकिंग पाउडर डालते हैं. अच्छा, और फिर उसको ऐसे रोल करते हैं, बेकिंग पाउडर और नमक डाल के. फिर बीच में धनिया.
हाँ बहुत ही अच्छा दिख रहा है हम लोग तो एकदम। और ये चटनी किसकी बनी हुई है? चटनी तो प्याज और टमाटर धनिया। हमें खाना भी एक बहुत अच्छा लग रहा है, आपके घर पे आए बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हम इनके घर पे रात, हाय गाइस, सो अंगमो के घर में हम रुके थे रात को, और शी इज फ्रॉम चांगो ना, चांगो। तो आप क्या बोलना चाहते हो हमारे ऑडियंस को? आपने जो गाना गाया कौन सी लैंग्वेज में था? वो थे हमारे लैंग्वेज पे। कौन सा? बुद्धिज्म। हाँ हाँ, उसी में थे, दो चार लाइन गाया था मैंने बस। फिर बाकी आप लोग हमारे गांव आ सकते हैं घूमने के लिए, काफ़ी अच्छे व्यू है, गर्मियों में आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत हरियाली होती है उस टाइम तो बहुत, मतलब अपर किन्नौर में ये चांगो गाँव सबसे बड़ा गाँव है, तो इस कारण आप लोग घूमने आ सकते हैं गर्मियों में। बाकी आपके घर से जो व्यू है ना, वो तो हमारे वहाँ से देखने आएंगे लोग 1000 किलोमीटर दूर से, आपको घर में मिलता है ये व्यू, देखो चारों तरफ पहाड़ तो गंजा है, मतलब चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, और तो मतलब बहुत लकी हो आप। एंड अंगमो से मिलके सच में बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट सा ब्रेकफास्ट बनाया था, पराठे सब्जी और सब कुछ, तो थैंक यू सो मच अंगमो, हम जरूर जल्दी मिलेंगे। हाँ, क्योंकि ये शिमला में भी पढ़ते हैं। हाँ, शिमला में होती हूँ मैं। हाँ, इनकी स्टडी शिमला में होती है, तो हम कभी शिमला जाएंगे तो जरूर मिलेंगे, और कभी ना कभी जरूर फिर हम चांगो भी आएंगे। हाँ, चांगो दोबारा से जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। This is the Nakul Lake, guys, and it's a sacred lake. बज रहे हैं 2, काफ़ी लेट हो चुका है, और हम आ गए हैं वापस शिमला।
ट्रिप कैसा था, क्या था, ये सब ना मैं आपको कल सुबह बताऊंगी, क्योंकि राइट नाउ आई एम सुपर टायर्ड और मैं यहाँ पर एक होम स्टे में स्टे कर रही हूँ, ये भी मैं आपको कल दिखाऊंगी। सो या गाइस, सुबह मिलते हैं, अभी के लिए सोना है, बहुत नींद आ रही, यू कैन सी माई आईज, लाइक गुड नाइट। मॉर्निंग एवरीबडी। सो आज है लास्ट डे इन शिमला, एज आई टोल्ड यू रात को, कल मैंने आपको बताया भी था कि हम 2 बजे पहुंचे थे शिमला, एंड नाउ मॉर्निंग आराम से उठे हैं, पूरी अच्छी स्लीप हुई है। आई एम स्टेइंग हियर इन नेगी होम स्टे। वेन एवर यू आर इन शिमला, डू चेक आउट दिस प्लेस, एंड बहुत ही कोजी, बहुत ही प्यारा सा होम स्टे। आई लाइक शो यू ऑल अराउंड द प्लेस, बट बिफोर दैट इट्स अ लास्ट डे। अब यहाँ से हमें दिल्ली जाना है, एंड द एक्सपेडिशन वॉज amazing, it was a blast and I had fun it. If you are interested for the same, then do check out the description box, and aap log contact kar sakte ho Grey Ghost or Snow Spin Co for upcoming expeditions, and you can join as well. So yeah, with that note, I'm ending this video here. Aapko meri video acha laga ho to do like the video, share and subscribe to my channel. We'll see you with another video. Till then, tada, bye bye, namaste.